हुआ भाई, क्यों भीड़ लगा रखी है? क्या बताओ मेहता साहब, अभी थोड़ी देर पहले टप्पू ने कुछ जादू करके हमारे 20,000 रुपए गायब कर दिए। अच्छा 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 अच्छा, सब समझ गया मैं। अब जरा कोई एक आदमी स्पष्ट रूप से समझाएगा कि क्या हुआ है। हाँ भाई, ये टप्पू ने जादू से माधवी भाभी के 20,000 रुपए गायब कर दिए, और ये 20,000 अभी मिल नहीं रहे। जेठालाल पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। क्या? अरे जेठालाल, बच्चों की गलती पे पुलिस बुला रहे हो क्या? पागल हो गए हो क्या? टप्पू के पापा प्लीज, अब पुलिस को मत बुलाइए। पापा प्लीज। तो कुछ भी बोल दे, अभी तो पुलिस यहाँ आके रहेगी। कहाँ रहेगी? दया। अरे जेठालाल, तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम? मेहता साहब, आप तो कुछ बोलिए मत, इसमें आपकी भी गलती है। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ना ये टप्पू से ना जादू सीखती, और ना ये 20,000 गायब होते। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मान लो किसी पति पत्नी में तलाक हो जाए, तो जिस पंडित ने फेरे करवाए क्या उसे सजा देंगे आप? अरे भाई, जादू तो सारे लोग देख रहे थे, बच्चों ने सबसे पूछा है कि हम जादू सीखें या नहीं सीखें, तब आप लोगों ने क्यों नहीं मना किया? मेरी क्या गलती? माना कि टप्पू से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस बुलाओ। अरे टप्पू अभी बच्चा है। तो अंजलि बाबी, माना का टप्पू छोटा बच्चा है, लेकिन रकम छोटी नहीं है ना। जयडालाल, टप्पू ने सॉरी बोला है ना, तो फिर पुलिस वुलिस को क्यों बुलाते हो? जाने दो, बच्चा है वो। अय्यर भाई, अगर आपको टप्पू पे इतनी दया आ रही है तो काम करना, उसके जमानत आप ही देना। पर जेठा जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना है? बबीता जी, आपको क्या लगता है ये सब मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ? नहीं, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। इधर तंग आ गया हूँ मैं टप्पू से। अरे एग्जाम में जितने उसको मार्क्स नहीं मिलते, उससे ज्यादा तो उसकी कंप्लेन आती है। देखो सब, आप प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए ना प्लीज। आप देख ही रहे हैं दया भाभी कि मैं कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो पूरे साल टप्पू शरारतें करता है ना, उन सारी शरारतों का गुस्सा जेठालाल के सर पे एक साथ सवार हो गया। बिल्कुल सही करे मेहता साहब, बिल्कुल सही करे। अब तो पुलिस आएगी, तभी मेरा दिल को शांति मिलेगी। ठीक है, तू ले ले मेरा फोन, मैं इसको पर्सनली लेकर जाता हूँ पुलिस स्टेशन। देखो पीड़ू क्या कर रहा है। पीड़ू, तू इधर चुपचाप क्या खड़ा है? और जेठा और राघव बोल देना कि तुझे वो 20,000 रुपए नहीं चाहिए। बोल। हाँ जेठालाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ शाबाश, नहीं चाहिए। जेठा भाई, टप्पू को माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ जेठालाल, ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? ओके पापा, पक्का पक्का पापा। ओके 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 ओके। टप्पू सेना के जादू की वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। हाँ सॉरी 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 आंटी। और भाई बीड़े, मुंह छोटा मत कर, ये ले 20,000। नहीं भाई, नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए? तुम्हारे ही पैसे। मेरे पैसे? क्या? ये पैसे आपके पास कैसे आए? अरे भाई, मैं और बापूजी वो सीढ़ी से उतर रहे थे, देख
अच्छा क्या बात है जेठा बराबर चाचा जी अभी तो खुश ना भिड़े तेरे पैसे मिल गए तुझे खुशी खुश अरे कहाँ मिले क्या अरे दिए तो सही अरे ओ मेरा हाथ में ही रहा सॉरी सॉरी भाई सॉरी सॉरी जेठा भाई चाचा जी जब आप लोग को पहले ही पैसे मिल गए थे तो आप लोग ने पहले क्यों नहीं बचा दिया बाबा ये टप्पू सेना को सबक सिखाने उन्हें एहसास दिलाने कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और आज इनको नहीं समझाते तो कल को ये लोग इससे भी बड़ी गलती कर सकते हैं और इनको पता होना चाहिए कि हर बात में शरारत नहीं करते अरे वाह जेठालाल वाह तुम तो एकदम समझदार निकले हैं बबीता जी जरा अय्यर भाई को समझाइए समझदार होने के लिए साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं होती यानी कि ज्ञानी होने के लिए वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है तो बोलो बच्चों आप जादू करोगे या नहीं? नहीं, 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 नहीं नहीं अरे क्या नहीं खूब करो जादू अरे जादू करने में कोई बुराई नहीं है बेटा हम लोग कोई भी तुम्हें जादू करने के लिए मना नहीं कर रहे अरे जादू तो हमारे देश की एक ऐसी कला है जो खत्म होती जा रही है लुप्त हो रही है इसे तो सीखना चाहिए लेकिन लापरवाही बुरी बात है हाँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गलतियां तुमने की अरे वो जादूगर जो मुन्ना लाल है जिससे सिखाया है मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ जब वो सीख रहा था उसने भी गलतियां की थी लेकिन जादू में ये पैसे वैसे का जादू मत करो दोस्त जहां भी पैसे जुड़ जाते हैं ना वो जादू नहीं रहता जुआ हो जाता है हाँ। तो जादू करने से कोई इनकार नहीं है लेकिन लापरवाही नहीं इज दैट ओके 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 बजाओ पैसे मिल गए भैया